भारत का चंद्रयान मिशन कामयाब हो चुका है। इसके बाद अब दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां अपने चंद्रमा मिशन में तेजी ला रही हैं। नासा अपना एक चंद्रमा रोवर बना रहा है। इसका नाम वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर यानी वाइपर है। नासा इसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 2024 के अंत में पहुंचाना चाहती है। नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर के इंजीनियरों ने रोवर के प्रोटोटाइप को रैंप से नीचे उतारने का टेस्ट किया। अलग अलग तरह से उतरने के लिए रैंप को कई एंगल पर झुकाया गया। ये रोवर जिस लैंडर में जाएगा उसे एक प्राइवेट कंपनी एस्ट्रोबोटिक की ओर से बनाया जा रहा है। ये चांद के नोबल क्रेटर के पास उतरेगा। नासा ने तैयारियों से जुड़ा वीडियो भी शेयर किया जिसमें दिख रहा है कि एक प्रोटोटाइप रोवर धीरे धीरे लैंडर के रैंप से सतह की ओर बढ़ रहा है। एक ट्वीट में नासा के अधिकारियों ने लिखा, हमारा वाइपर रोवर प्रोटोटाइप अपने चंद्रमा लैंडर से बाहर निकलने का अभ्यास कर रहा है। रोवर 2024 के अंत में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भविष्य के लैंडिंग स्थल के पास पहुंचने के लिए तैयार है। नासा का कहना है कि ये रोवर 2025 या 2026 से पहले आर्टेमिस 3 मिशन के लैंडिंग साइट के पास जाएगा और वहां कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग करेगा। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को एक बार फिर चांद पर ले जाना है। नासा यहाँ कई स्थायी बेस बनाना चाहता है। नासा के मुताबिक वाइपर उस लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण होगा क्योंकि रोवर का मुख्य मिशन चंद्रमा की सतह पर बर्फ की खोज करना है। इस मिशन में पहले ही 2 साल की देरी हो चुकी है। भारत के चंद्रयान 1 मिशन से पता चला था कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी है। यहाँ के कई क्रेटर हैं जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती, वहाँ पानी बर्फ के रूप में मौजूद है। यहाँ कितनी बर्फ है इसका पता नहीं चल सका। इसकी जानकारी पाने के लिए जमीनी मिशन चलाने की जरूरत पड़ेगी। भारत को हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन में कामयाबी मिली है। इसके जरिए वह चांद पर पहुंचने वाला 4th देश बन गया। वही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला पहला देश है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।